आसमान में जो चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में शंकर पीठ जो है चार, जिनको भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। पूर्व में गोवर्धनपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में बद्रीनाथ जोशीमठ। अच्छा, इसका क्षेत्र बताएंगे कहाँ से कहाँ तक का है? क्षेत्र तो उत्तर भाग जो है, भारत के जो चार भाग हैं, उत्तर भाग उत्तर में आता है और पूर्व का अंग भंग कलिंग आदि ये उड़ी वो पूरी पीठ में आता है। इसी प्रकार से दक्षिण का जो भाग है वो श्रृंगेरी में आता है और पश्चिम का जो भाग है वो द्वारका में आता है, द्वारका शारदा। तो अपने प्रमुख चार शिष्यों को आद्य शंकराचार्य जी ने वहाँ पर स्थापित किया और महानुशासन में ये बतलाया कि ये जो चार पीठों में चार शंकराचार्य पद पर बैठेंगे उन्हें मेरा ही स्वरूप समझा जाए। वही परंपरा आज चल रही है। अभी जो वर्तमान में है उसमें पश्चिम में द्वारका और उत्तर में ज्योतिषमठ के पीठ हैं, अभी हैं, उनमें चार शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित, जिसमें पश्चिम द्वारका शारदा मठ, उत्तर में जोशी मठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, पूर्व में गोवर्धनपुरी में निश्चलानंद जी महाराज हैं और दक्षिण में श्रृंगेरी में अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज हैं। इनके पूर्व क्रम से जो परंपरा चल रही है 2500 वर्ष से, उसमें आद्य शंकराचार्य जी के जो गुरु थे भगवत पाद आद्य शंकर के, वो थे गोविंद पादाचार्य जी, जिनका की स्थान नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, वो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। और गोविंद पादाचार्य जी के जो गुरु थे वो थे गौण पादाचार्य, गौण पादाचार्य जी के जो गुरु थे वो थे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी के गुरु थे व्यास जी और व्यास जी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी, पाराशर के गुरु थे वशिष्ठ जी के गुरु थे ब्रह्मा जी के गुरु थे नारायण। तो ये नारायण से हमारी परंपरा चलती है, जैसा कि कहा गया है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम। और फिर उसके बाद में गौड़पाद जी के बाद भगवत पाद, बाकी का विवरण हम आपको दे चुके हैं जो अभी चल रहा है। देख सकते हैं सामने, हमारे सामने श्री राजकुमार जी शास्त्री जी है, जिन्होंने आपको पूरी तरह संबोधित किया है, पूरी एक एक बात बताई है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा धर्म है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गुरु से, गुरु परंपरा। देखिए गुरु परंपरा कहाँ से चल रही है और कैसे कैसे चल रही है, जो अभी तक निभाई जा रही है। अभी वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य जी है और चार पीठ के दो पीठ पर गुरु जी विराजमान और दो पीठ, जैसा कि इन्होंने कहा आपको सारी बातें, मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समझे इस चीज़ को। धन्यवाद।